मंदिर के महंतों के साथ पुलिस लाइन में बैठक की, बुढ़वा मंगल की तैयारियों को लेकर चर्चा की। 6 सितंबर को बुढ़वा मंगल है, सुरक्षा, बिजली, सड़क और साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं, इससे कि मंदिर में आने वाले भीड़ को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी में बुढ़वा मंगल को काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पुलिस कमिश्नर पीपी जोगतंड ने कहा कि मंदिर में चले आ रहे पुराने विवादों को लेकर किसी तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए, पहले की तरह इस बार भी सभी इंतजाम रहेंगे, मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। डीएम विशाक ने कहा कि नगर निगम सभी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने और स्थानीय दुकानदारों का सहयोग लेते हुए दुकान के आसपास सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कहा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए चारों ओर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ड्रोन से भी निगरानी होगी, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम बेहतर होना चाहिए जिससे भीड़ और व्यवस्थापकों के बीच सीधा संवाद हो सके। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा व्यवस्था को बनाने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगाए जाएंगे, मंदिर के भी वॉलंटियर्स जगह जगह तैनात रहेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुढ़वा मंगल सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराया जाएगा। नगर निगम को स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि मंदिर में देर रात से ही भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, अगर फॉल्ट के चलते लाइट भी चली जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर होगा, लाइट जाते ही जनरेटर से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को जगमग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।